एक ही दिन में दो दो चोरी की वारदातों से थर्राया गोवर्धन। जहाँ एक ओर योगी सरकार अपराधियों पर अंकुश लगाने के लाख वादे करती है, वहीं दूसरी ओर अपराधी योगी सरकार के वादों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। कस्बा गोवर्धन में गोवर्धन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ही दिन में लगातार दो चोरी की घटनाओं ने थाना प्रशासन की नींद उड़ा दी। जी हाँ, जहाँ एक और बीती रात ई रिक्शा वालों ने चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, वहीं दूसरी ओर आज एक पौष कॉलोनी के मकान में दिन दिहाड़े चोरों ने चोरी करके पुलिस को खुली चुनौती दे दी। खबर के अनुसार गोवर्धन बड़ी परिक्रमा मार्ग में तीर्थ विकास ट्रस्ट से थोड़ा आगे सेवा कुंज कॉलोनी में चोरों ने दिन दिहाड़े एक मकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। खबर के अनुसार राजेश राणा निवासी हाथरस सेवा कुंज कॉलोनी में रहते हैं और उनका सिविल कंस्ट्रक्शन का काम है। सुबह जब वे अपने काम के लिए निकले तो ताला बंद करके गए थे और शाम को जब वापस आए तो उन्होंने मकान का ताला टूटा हुआ देखा और भीतर जाकर देखा तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। उन्होंने पुलिस को दी राजेश के अनुसार लगभग 55,000 कैश और 1.5 लाख रुपये की ज्वेलरी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। अब देखना ये होगा कि योगी सरकार में पुलिस कितनी मुस्तैद है और कितनी जल्दी चोरी की इन दो घटनाओं को पर्दाफाश करके मुजरिम को उनको सही ठिकाने पर पहुंचाती है या नहीं। राजेश राणा कहाँ के रहने वाले? हाथरस। अच्छा, यहाँ कितने दिन से रह रहे? यहाँ करीबन मुझे 2-2.5 साल हो। क्या घटना हुई है? ये घटना ये हुई कि मैं सुबह अपने नियमित रूप से जैसे मैं जाता हूँ अपना साइड पर, तो मैं अपनी साइड पर चला गया, ठीक है। उसके बाद मैं जब शाम को लौटा तो ताला खुला तो सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ मिला मुझे अपना, और लॉकर वॉकर मेरे सारे टूटे हुए मिले मुझे। तो मैंने हाथ के हाथ में मतलब क्या नाम है पुलिस को सूचना दी, वो गाड़ी वाड़ी आई। उसके बाद मैं रिपोर्ट मैंने वहाँ पर लिख कर दिए तहरीर। क्या सामान चोरी हो गया? सामान में केवल ज्वेलरी और कैश है बस। कितने का सामान करीब चोरी? लगभग 50-55 हज़ार रुपये कैश था और क्या कहते हैं कुछ ज्वेलरी थी, अंगूठी थी 4-5 और एक चैन और 8-10 पाजेब थी, कुंडल थे 4-5 जोड़ी और चांदी के सिक्के विक्के ऐसे। कितने के आभूषण होंगे टोटल? अब ऐसे आइडिया तो मैं क्या बताऊंगा, लगभग मान लो कितने का हो जाएगा, लगभग 1 लाख रुपए, 1-1.5-2 लाख का जो भी बैठे समथिंग, ऐसा आइडिया नहीं बता सकता। एक क्या काम करते हैं वैसे आप? मेरा सिविल कंस्ट्रक्शन का काम है, यही गोवर्धन में करता हूँ।